हेलो एवरीवन, मैं हूं ग्लोनो सोशल से और आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेलिंग यू गाइस कि आप कैसे दो फोटो को मर्ज करके एक फोटो को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग डबल एक्सपोजर। तो पहली चीज, ये हमारा एक फोटोग्राफ है जिसको यूज करके हम डबल एक्सपोजर की सेटिंग में जाएंगे। वहां जाने के बाद में विल एड अ फोटोग्राफ जो हमें इस फोटो के साथ में यूज करना है, वो है ये कैमल वाला फोटोग्राफ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो यू वुड ऑलरेडी नो फाइनल रिजल्ट कैसा दिखता है। तो आप अगर अभी तक फॉलो नहीं करते हैं तो यू कैन सी माई हैंडल ऑन द स्क्रीन, गो एंड फॉलो मी एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल लव इट। एनीवेज, तो उसके बाद में आपको एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि आई एम जस्ट एडजस्टिंग दिस वन एज पर दी होराइजन, ताकि जो पीछे जो आपको एक स्काई और लैंड में जो बीच में टच होता हुआ दिख रहा है, वहाँ आपको पता लग जाएगा कि आपको चीज़ें कैसे एडजस्ट करनी है। वो करने के बाद में वंस आई एडजस्ट ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज आई नो ऑल दीज थिंग्स माई टेक लाइक स्मॉल टाइम, पर आई जस्ट फिगर आउट कि मुझे रखना कहाँ पे है। तो आई गेस दिस लुक्स गुड जो बीन के आगे है। उसके बाद मैं ओपेसिटी को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कि मुझे कितनी ओपेसिटी चाहिए। क्योंकि मैंने ये क्यों चूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे दोनों डेजर्ट में लिए हुए फ़ोटो हैं और साथ में एक और चीज़ अच्छी है कि दोनों का जो लाइन है वो सिमिलर दिख रहा है, तो इसलिए इट विल समहाउ हेल्प। तो आपको इसी तरीके का ध्यान रखना है कि आपके दोनों फोटोज़ कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं या कहीं ना कहीं ये कॉमन चीज़ हैं। वो करने के बाद मैं वंस यू क्लिक ऑन दैट, अभी मैं यहाँ पे जाके इसके सिर्फ एक्सपोजर को चेंज कर रहा हूँ। तो यू हैव सीन दैट हाउ आई हैव डन इट। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि इसके आजू बाजू मुझे थोड़ा सा ब्लर करना होगा, तो आई जस्ट गो एंड चूज लेंस ब्लर। यहाँ पे इसको रखने के बाद में आई सी कि ठीक है, इधर उधर थोड़ा ब्लर हो रहा है। तो यहाँ पे आपको एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपको जिस चीज़ को, जिस जगह पे आप इस डॉट को रखेंगे वो आउट ऑफ फोकस होगा, बाकी ब्लर होगा। अब ऑब्वियसली अगर ये जो फोटोग्राफ है ये एनीवेज लग रहा था कि मैंने इसको किसी ऐसे लेंस से लिया है जहाँ पे बैकग्राउंड में ब्लर है, तो मुझे कैमल को भी ब्लर करना होगा। इसीलिए आई एम डूइंग दिस थिंग कि मेरा जो फोकस है वो सिर्फ इस आदमी पे है, बाकी जो है वो पीछे ब्लर होगा। अगेन दिस थिंग विल टेक सम टाइम फॉर यू टू डू इट, क्योंकि ऑफकोर्स परफेक्शन इज़ द की। और जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज़ ओनली फॉर द डेमो पर्पज, वेर इन आई एम जस्ट शोइंग यू कि आप कैसे एक क्लोज और किस तरीके से एक परफेक्ट जो रिजल्ट है वो आप पा सकते हैं। तो यहाँ पे आई एम जस्ट यूजिंग लाइक दिस वन वंस अगेन। मुझे लग रहा है कि ठीक है, दिस शुड बी ओके। कहीं ना कहीं आपको फोकस के साथ में खेलना होगा इधर उधर, और ऑफकोर्स दिस लुक्स बेटर। और साथ में मैं सोच रहा हूँ एक और लीनियर ब्लर यूज़ करते हैं, तो लेट्स जस्ट क्लिक ऑन इट लेंस ब्लर वंस अगेन। और यहाँ पे आने के बाद में आई जस्ट मे बी से डू वंस अगेन, सॉरी आई जस्ट क्लिक ऑन दैट सेटिंग थिंग। ओके, दिस लुक्स ओके, सो मे बी आई जस्ट पुट इट हॉरिजॉन्टल ताकि इस साइड में फोकस नहीं होगा और इस साइड में होगा। अभी हमारा ऊंट एकदम इन कंपेरिजन थोड़ा सा ब्लर लग रहा है, और आई थिंक आई लाइक दिस रिजल्ट, एटलीस्ट दिस इज क्लोजर टू वॉट आई वॉज एक्सपेक्टिंग। सो इसी तरीके से आप डबल एक्सपोजर को यूज़ करके आप इसी तरीके के अमेजिंग फोटोज क्लिक कर सकते हैं। लेट मी नो इफ इन केस यू वुड वॉन्ट टू सी मोर स्नैपसीड वाला ट्यूटोरियल्स, आई वुड लव टू डू इट। और दैट्स इट इन दिस वीडियो, आई सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड बाई द एंड ऑफ द वीडियो यू विल सी बिफोर एंड आफ्टर, सो डोंट मिस दैट। एंड इफ इन केस यू आर नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज डू इट राइट अवे। आई सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर एंड बिफोर एंड आफ्टर।